दोस्तों का इस लास्ट व्लॉग में मैं गया था नेशनल जूलॉजिकल पार्क, उसके बाद मैं सीधा आ चुका हूँ खान मार्केट। खान मार्केट से ना मुझे लेना है कुछ, ना मुझे खाना पीना है कुछ, क्योंकि बहुत कॉस्टली एरिया है, बहुत ही ज़्यादा दुनिया भर का कॉस्टली एरिया है ये। और बस कितना गरीब हूँ मैं ये फील करने आया हूँ, और आप लोग को भी दिखाता हूँ मैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अभी खान मार्केट में एंटर हुआ हूँ, झूमर भी ऐसे देखो भाई साहब, जो हम सोच भी नहीं सकते अब हम जैसे घर में लगाना, और वैसे भी यहाँ पर तो 3x 4x प्राइस पे मिलेंगे। और ये जगह पे आपको ऐसी गाड़ियाँ दिखना बहुत ही आम है, जैसे आपके यहाँ पर स्विफ्ट वगैरह घूमती है ना, वैसे ही यहाँ पर यहाँ की स्विफ्ट है, मर्सिडीज़ ये जी वैगन जैसी गाड़ियाँ मानी जाती हैं यहाँ तो। और ये इसलिए महंगी जगह है कि एक टाइम को ना ये लेजर प्लेस थी ब्रिटिशर्स की, तो उस वजह से ये बहुत कॉस्टली है आज तक, क्योंकि यहाँ ब्रिटिशर्स रहा करते थे और यहाँ पर मतलब मेन स्पॉट होता था। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स आपको यहाँ पर आराम से मिल जाएंगे, मतलब जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं मॉल्स के बाहर यहाँ पर ही मिलेंगे आपको सारे, और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ तो आराम, छोटी मोटी वक्त है यहाँ के लिए। सीरियसली ऐसा जगह आके ना आपको ऐसा फील होता है कि यार अभी तो बहुत कुछ करना है, मतलब ऐसा नहीं होता कि यार जो है सफिशेंट है, किसी बढ़िया कैफ़े में भी नहीं बैठ सकते अब यहाँ पर जाके, यहाँ कैसा होता है यार अभी बहुत मेहनत करनी है, बहुत कुछ पड़ा है। ऐसे स्क्वायर शेप में मार्केट है पूरी, प्रॉपर मार्केट स्क्वायर शेप में है, बीच में जो बीच वाली लेन है स्क्वायर के अंदर वहाँ पर कैफे हैं, बाहर वाली साइड शोरूम है और बड़े बड़े ब्रांच के। यहाँ पर एक बुक स्टोर है फ़कीर चंद एंड सन्स, ये वाला बहुत फेमस है, इंस्टाग्राम पर बहुत हाइप बनी हुई है इसकी, वैसे नहीं था इंस्टाग्राम वाले फेमस कर देते हैं। अंदर वाली साइड ये जो रोड है इसके अंदर है कैफेज, बहुत कुछ है यहाँ पर कैफेज हैं बहुत सारे, ये भी ये सब कैफेज ही कैफेज हैं। और बाहर के कंपेरेटिवली थोड़े सस्ते कपड़ों के भी शॉप्स हैं अंदर वाली साइड, थोड़े सस्ते। यहाँ पर कैफेज हैं ज़्यादा, कपड़ों की शॉप्स हैं और होम डेकर भी है बहुत ज़्यादा, जैसे ये सब होम डेकर भी है। तो घूम लिए थोड़ा सा यहाँ पर, इसलिए आ गए क्योंकि ये फास्ट था और सोचा थोड़ा सा घूम के चलते हैं, अब भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, अपने घर ही जाके खाना खाएंगे और चलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर फ्रूट्स भी ऐसे मिलते हैं, मतलब जो नहीं होते इम्पोर्टेड फ्रूट, सारे एग्जॉटिक फ्रूट्स सब यहाँ पर मिलते हैं ना। मार्केट की जो हाइप होती है ना वही ख़राब करती है भाई, सीरियसली जो चीज़ आपको अच्छे खासे मॉल में 2000 की मिल जाएगी ना, यहाँ वो 4000 की मिलेगी, बार्गेन भी नहीं कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से पॉइंट है नहीं यहाँ ज़बरदस्ती किस चीज़ की डबल कॉस्ट देने से। आज तो मज़ा आ जाएगा घर जाने में, बारिश है, बारिश हो रही है, मज़े ही मज़े। वैसे मेरी आज जिम बंद थी क्योंकि कल बारिश की वजह से जिम में पानी भर गया था, और आज फिर बारिश हो गई, जिम कल फिर बंद हो जाएगा। क्या पानी छपान भाई साहब, बारिश बहुत तेज है, घर चलते हैं फटाफट से, आज तो मज़ा आ जाएगा पीछे। हम जैसे लोग तो यार पालिका बाजार या अपनी लोकल मार्केट के लिए ही सही है, या हम किसी छोटे मोटे मॉल वॉल में चले जाएं, खान मार्केट हमारे बस की नहीं है। बाकी कपड़े वपड़े गिले हो गए थे, वो सूखने डाल दिए, अब आए हैं वॉक करने के लिए। और हाँ एक बैड न्यूज़ और, जो मेरी फैट टू फिट जर्नी है वो कुछ देर स्किप होगी क्योंकि मेरी जिम की छत गिर गई और एक हफ्ता जिम बंद रहेगी। अब पता नहीं कल से क्या होगा क्या नहीं होगा, देखते हैं उसको, मैं अपडेट कर दूंगा आपको व्लॉग में। बाकी अभी तो वॉक से ही काम चला रहे हैं। सो गाइस अब फाइनली घर आ चुका हूँ मैं, अब कर देते हैं इस व्लॉग का यही एंड। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी इंटरेस्टिंग व्लॉग के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।